जिला स्तरीय ढीमर मांझी महापंचायत की बैठक हुई। संपन्न ढीमर मांझी समाज महापंचायत के जिला अध्यक्ष दीना रखवार जी के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से एवं अन्य जिलों से भी ढीमर समाज के 100 जाति बंदी उपस्थित हुए। बैठक में सभी की सहमति से समाज में जो पुराने समय से चल रही पुरानी परंपरा में फेरबदल का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला मुद्दा समाज की बेटी को आगे लाने में समाज का दायित्व को समझाया। आज की युवा पीढ़ी पुराने रीति रिवाज से हटकर कदम बढ़ाते हैं, उसमें समाज की बदनामी ना हो मृत्यु भोज की बात भी कही गई एवं अन्य मुद्दों को लेकर निर्णय लिया गया। साथ ही सभी की सहमति से प्रस्ताव बनाया गया, जिसमें अध्यक्ष दीना रखवार जी एवं नरसिंहपुर से आए हुए पत्रकार अमन नूरिया, नगर अध्यक्ष वैसाखू नंदा, अमर नंदा, शिक्षक मनोज नंदा, ढीमर मांझी समाज मीडिया प्रभारी संतोष नंदा एवं सैकड़ों की संख्या में स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। अन्य मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई, जिसमें खासकर हमारी जो विवाह और शादियों में जो समस्याएं आती हैं उस पे चर्चा हुई। शादियों में जो संबंध बनाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां आने पर जो संबंध विच्छेद होते हैं, उनमें जो जिम्मेदारी परिवार के लोगों को निभानी पड़ती है वह जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, तो उस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन करके जो सामाजिक कार्यक्रम में शादी विवाह व अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें समाज के जो बंधु आते हैं उन पर रोक लगाए जाने को लेकर भी सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया गया। और चूंकि यहाँ पे जो संगठन की जो समस्या थी कि अलग अलग प्रकार के दो संगठन थे, उस संगठन को जिले में बृहद स्तर पे एकजुटता के लिए एकजुट किया गया है, उस संबंध में भी सबने एकजुटता से निर्णय लिया। चलिए ठीक है, आप कहाँ से सर जी? मैं नरसिंहपुर से हूँ, पत्रकार हूँ अमन नौरिया। चलिए धन्यवाद। मैं जबलपुर से काशीराम रखवार जी। जवाली ऋषि की तपोभूमि, जवाली ऋषि की वाल्मीकि जी की तपोभूमि, यहाँ पर लव कुश जी का जन्म स्थल है। यहाँ पर आने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला और समाज यहाँ पर बहुत लंबे समय से एकजुटता के साथ काम कर रही है, उससे मैं सीखने के लिए यहाँ आया हूँ और जिससे मैं पूरे प्रदेश में इस अभियान को गति दे सकूं, मैं सीखने के लिए यहाँ आया हूँ और समाज को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया और यहाँ मैं उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। जी ढीमर मांझी समाज महापंचायत जिला मंडला के आप नगर अध्यक्ष हैं, आपका ये कार्यक्रम समाज के लिए किस दिशा पे जा रहा है? आज ढीमर मांझी महापंचायत सीता रपटन प्रांगण में तमाम पूरे ज़िले के स्वजाति बंधुओं के द्वारा यहाँ पर अनेक बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है और सर्वसम्मति से निर्णय पारित करते हुए और सभी को निर्देशित भी किया गया है और उनका पालन करेंगे सभी लोग। चलिए इसमें जिलाध्यक्ष जी जो है रघुवार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? समाज आपका आगे जा रहा है या ये कुछ राजनीतिक मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हमारी समाज में जो कुरूतियाँ थी और जो कुछ कमजोरियाँ थी, हम उसके सुधार के लिए ढीमर मांझी महापंचायत महासंघ की बैठक किए, जिसमें तमाम स्वजाति बंधुओं के मार्गदर्शन में बात रखते हुए और उनकी सहमति प्रदान होने पर जो जो बिंदु थे उनमें विचार विमर्श करके उनको आगे बढ़ाए हैं। जैसे हमारी रीति रिवाज जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें जो त्रुटियाँ थी उनको सुधार करते हुए वर्तमान में जो अंगूठी रस्म है और दहेज प्रथा है उसमें कुछ कसौटियाँ कसी गई है, जिसमें मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरी समाज उसमें खरी उतरेगी। चलिए ठीक है।